वलसाड़ के धर्मपुर तालुका के राजपुरी तलाट गांव में 133 आदिवासी बच्चे बारिश में भीगते हुए पढ़ाई करने को मजबूर हैं। राजपुरी तलट गांव के जागरूक नागरिक मुन्ना भाई और योगेश भाई ने बताया कि राजपुर तलट गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की हालत बहुत ही खराब हो गई है और वहां आने वाले बच्चे पानी में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। लगातार हो रही बारिश से पानी टपक रहा है और इस संबंध में धर्मपुर के शिक्षा विभाग को 2017 से सूचित किया गया था, लेकिन इस स्कूल में आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं इसीलिए शिक्षा विभाग का कोई परवाह नहीं है। स्कूल के ऊपर प्लास्टिक लगाकर बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। ये स्कूल 99 वर्ष पूरा नहीं है और कई कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्कूल की तरफ से नए मकान के लिए 2017 में आवेदन दिया था पर इस में ध्यान किसी का भी नहीं है। 133 बच्चे बरसात के पानी में भीगते हुए पढ़ने को मजबूर बन गए हैं। आदिवासी जोहर अल्पेश पटेल धर्मपुर तालुका विद्यालय आदिवासी अध्यक्ष सदस्य आज रोज मारा मत विस्तार में आवतो गाम राजपुर तलाट ज्या प्राथमिक शाला में बाड़कों वरसाद में भीजाता भणवा मजबूर बनया है। मने लगे कि सरकार ज्या विकास की बात करे तो अमरा आदिवासी विस्तार में संपूर्ण पोकल साबित कर रही है। आज जे भेदभाव भरू वलण चौक्सपणे आ सरकार जयरे शिक्षण की बात हो तरह अमरा आदिवासी विस्तार में बाड़कों वरसाद में नीचे बेसी भणवा मजबूर हो तरह विकास की बात के योग्य जे अमरा विस्तार में एकदम पोकल साबित थी।